नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। आज की रेसिपी का नाम है कामाला इलिश। इलिश आप एक फिश नेम है जिसे कि हिल्सा फिश भी कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर फिश को ऑलरेडी फ्राई करने के लिए रख दिया है। तो मैंने यहाँ पर पहले फिश को अच्छे से धो के उसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़े से नमक के साथ मैरिनेट करने के बाद उसके बाद मैंने यहाँ पर फिश को फ्राई करने के लिए रखा है। फिश दोनों तरफ से अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। पहले हम अच्छे तरीके से इस फिश को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर फिश जो है फ्राई हो चुका है और मैंने फिश के हेड को भी इसमें एक बार में ही फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें एक हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। बहुत ज़्यादा नमक मत ऐड कीजिएगा, थोड़ा सा नमक जो है थोड़ा सा कम रखिएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में भी नमक दे सकते हैं, इसलिए नमक को पहली बार में थोड़ा कम देना होता है। अब हम अच्छे तरीके से इसे तेल के साथ मिक्स करने के बाद हम इसे फिश के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। करने के बाद इसमें पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसको ढकेंगे। लेकिन ढकने से पहले हम इसमें सरसों के जो पेस्ट होता है उसको मैंने यहाँ पर सिर्फ पानी जो है वो ऐड किया है। मैंने पहले सरसों को पीस लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। ऊपर से हम छान लेंगे, सरसों के पेस्ट को छान लेंगे। छन्नी से छानने के बाद जो पानी निकलेगा सरसों का, वो पानी हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर करीबन एक कप वो सरसों का पानी जो है वो मैंने ऐड किया है। करने के बाद मैं इसे अब ढक दूंगी। करीबन दो मिनट के लिए मैं इसे थोड़ा सा ढक के लो फ्लेम में पकाऊंगी। दो मिनट बाद मैं इसका ढक्कन निकाल लूंगी। निकाल के इसमें हरी मिर्च चीरा लगाया हुआ है वो मैं इसमें ऐड करूंगी। आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से आप हरी मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर दो कप, जो कप में हम चाय पीते हैं छोटे कप, उस कप का दो कप पानी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद, मसालों के साथ पानी को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम फिर से इसे ढक देंगे। करीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसे हम लो फ्लेम में ढक के पकाएंगे। उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। गर्म गर्म चावल के साथ ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जल्दी से ये रेसिपी बनाइए, बहुत जल्दी और बहुत झटपट बनके ये बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि और भी ज़्यादा वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। आज के लिए बस यही तक। नमस्ते।